हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम अपकार स्कोर के बारे में। यह चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग GNM सेकेंड ईयर, BSc नर्सिंग थर्ड ईयर एंड पोस्ट BSc नर्सिंग के लिए जो टॉपिक है अपकार स्कोर, जो कि न्यूबॉर्न असिसमेंट में इंक्लूडेड है, ठीक है। और साथ ही साथ ये अपकार स्कोर आप BSc नर्सिंग फाइनल ईयर ऑब्स्टेट्रिक एंड जो हमारी सब्जेक्ट उसके अंदर भी इंक्लूडेड है, न्यूबॉर्न केयर के अंदर आप वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अपकार स्कोर के बारे में पढ़ेंगे हम। सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, सबसे जनरल इंट्रोडक्शन इसका क्या है। फर्स्ट टाइम इट वॉज गिवन बाय डॉक्टर वैजाइना अपकार इन 1953। 1953 में वैजाइना अपकार के द्वारा डॉक्टर उनके द्वारा अपकार स्कोर का फर्स्ट टाइम यूज किया गया। इसके बाद इट इज परफॉर्म्ड एट 1 and 5 minutes ऑफ बर्थ एंड रिकॉर्ड्स इट्स केयरफुली। मतलब 1 से 5 मिनट, मतलब बेबी के जन्म के बाद 1 से 5 मिनट के अंदर अंदर जो रिकॉर्ड केयरफुली एक परफॉर्म किया जाता है, एक प्रोसीजर होता है, ठीक है, वो केयरफुली परफॉर्म किया जाता है बेबी के जन्म के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर, उसको कहेंगे हम अपकार स्कोर, ठीक है। इफ अपकार स्कोर इज लेस देन 5 minutes देन रिपीट अगेन आफ्टर 15 minutes, रिपीट अनटिल 2 readings बिकम मोर देन 8 minutes। मतलब कि 5 मिनट के अंदर यदि उसका स्कोर 7 से कम आता है तो वापिस 15 मिनट के बाद अगेन रिपीट करेंगे 2 times जब तक कि 8 उसका स्कोर नहीं आता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो तुरंत एक्शन लिया जाता है और उसको रिसक्सीटेशन प्रोवाइड की जाती है। जी हाँ, CPR प्रोवाइड की जाती है यदि उसका स्कोर लगातार 7 से कम आता है, ठीक है। अब कौन सी रेंज में क्या स्कोर आना चाहिए वो भी हम पढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक वो है 5 vital indicators यूज इन अपकार स्कोर। 5 indicators है, कौन कौन से हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आपको मेनली याद रखना है अपकार स्कोर से ही इसको हम याद कर सकते हैं, जैसे कि A फॉर अपेरियंस, P फॉर पल्स, G फॉर क्रैमिस, A फॉर एक्टिविटी एंड R फॉर रेस्पिरेशन। इस तरीके से आपको इजीली याद रखना है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका जो इंडेक्स है वो किस तरह से है। पहला है वाइटल इंडिकेटर, वाइटल साइन या फिर इंडिकेटर कह सकते हैं हम। स्कोर 0, स्कोर 1 और स्कोर 2। किस कंडीशन में स्कोर 2 देंगे, किस कंडीशन में स्कोर 1 देंगे और किस कंडीशन में हम स्कोर 0 देंगे, ठीक है, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा जो है इंडिकेटर्स या फिर हम कहते हैं वाइटल्स, वो है हमारा अपेरियंस, ठीक है, A फॉर अपेरियंस या फिर हम कह सकते हैं स्किन कलर, जिसके अंदर यदि बॉडी का कलर, बेबी का जो बॉडी है उसका कलर यदि फुल ब्लू एंड येलो होता है तो उसको स्कोर देंगे हम 0। स्कोर 0 तभी देंगे जब उसको मतलब सीवियरिटी ज़्यादा होती है उस कंडीशन में, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है, किस कंडीशन में देते हैं। यदि बेबी का स्किन का कलर ब्लू है या फिर येलो है तो उसको हम स्कोर देंगे 0। यदि बेबी का बॉडी नॉर्मली पिंक है, पूरी बॉडी मतलब पिंक है लेकिन एक्सट्रीमिटीज़ यानी हाथ और पैर दोनों हाथ और दोनों पैर ब्लू कलर के हैं तो हम उस कंडीशन में स्कोर देंगे 1। और बेबी की फुल बॉडी पिंक है तो उस कंडीशन में हम स्कोर देंगे 2, ठीक है। ये था अपेरियंस या फिर कह सकते स्किन कलर के बारे में। अब सेकेंड है हमारा पल्स, P4 पल्स या फिर हार्ट रेट कह सकते हैं।
यदि एब्सेंट होगा, हार्ट रेट एब्सेंट होगी तो उसको स्कोर देंगे हम 0। यदि लेस देन 100 ब्रीथ बीट पर मिनट होगी, यानी 100 से कम उसकी हार्ट रेट होगी तो हम उसको स्कोर देंगे 1, और 100 से अधिक हार्ट रेट होगी तो उसको स्कोर देंगे हम 2। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद जी फॉर ग्रेमिस या रिफ्लेक्स इरिटेबिलिटी, ठीक है, जिसके अंदर नो रिस्पॉन्स, यदि कोई बेबी कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है रिफ्लेक्स का तो इसको स्कोर देंगे हम 0। ठीक है, मिनिमम रिस्पॉन्स ग्रेमिस टू सक्शन और जेनेटल स्लैप ऑन शॉल, मतलब कोई रिफ्लेक्स देता है लेकिन कुछ ही मिनिमम रिस्पॉन्स देता है तो इसको हम स्कोर देंगे 1। ठीक है, तो इसका स्कोर होगा 1। यदि गुड रिस्पॉन्स बाय क्राई कफ एंड स्नीजिंग, मतलब सारे रिस्पॉन्स देता है, सभी रिफ्लेक्स कर रहा है बेबी सक्शन के, मतलब स्नीजिंग के और क्राई के सभी, तो इसको हम स्कोर देंगे 2। ठीक है, अब फोर्थ है हमारा, इसके अंदर अपगर के अंदर वो है ए फॉर एक्टिविटी। पहले वाला ए आया था उसका मतलब क्या था हमारा, ए फॉर अपेरियंस। ठीक है, अपेरियंस या फिर कह सकते हैं स्किन कलर। और दूसरा आया ए आया है तो इसके अंदर एक्टिविटी है, एक्टिविटी मसल टोन। ठीक है, मसल टोन जिसके अंदर फ्लैसिड एंड लिम्प होगा, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं होगी तो उसको हम देंगे 0। सम रिफ्लेक्शन, सॉरी फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज, मतलब फ्लेक्शन ही करेगा तो उसको हम देंगे 1 पॉइंट। ठीक है, 1 नंबर देंगे उसको। गुड फ्लेक्शन, यदि गुड फ्लेक्शन हो रहा है, एक्सटेंशन हो रहा है तो उसको इस कंडीशन में देंगे हम 2, स्कोर 2 देंगे। अब लास्ट हमारा आर फॉर रेस्पिरेटरी एफर्ट या रेस्पिरेटरी रेट कह सकते हैं, जिसके अंदर एब्सेंट होगी, रेस्पिरेशन नहीं कर रहा है बेबी तो उस कंडीशन में हम उसको 0 देंगे। यदि स्लो एंड इरेगुलर ब्रीथिंग वीक क्राई, मतलब स्लो हो रही है और इरेगुलर रेस्पिरेशन कर रहा है बेबी तो उस कंडीशन में हम उसको देंगे 1 पॉइंट। और गुड क्राई, मतलब अच्छे से क्राई कर रहा है, रो रहा है और अच्छे से श्वास ले रहा है तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को, बेबी को देंगे 2 नंबर। ठीक है, तो ये थे हमारा अपगार स्कोर की स्केल। ठीक है, इसके इंडिकेटर्स कौन सी कंडीशन में क्या स्कोर देते हैं, कौन सी कंडीशन में, ठीक है, स्कोर दिया जाता है वो हमने पढ़ा इसके अंदर। अब बात करते हैं टोटल स्कोर इसका क्या होता है। टोटल स्कोर होता है 10। ठीक है, 10 इसका स्कोर होता है। यदि बेबी का स्कोर 8 से 10 होता है तो उसको कहेंगे गुड या एक्सीलेंट, मतलब बेबी का जो आपका स्कोर है वो 8 या फिर 10 के बीच में आता है तो उसको कहेंगे हम एक्सीलेंट या फिर गुड। ठीक है, नो डिप्रेशन, कोई डिप्रेशन नहीं है, सो नो नीड टू टेक स्पेशल मेजर, और उसको कोई भी स्पेशल मेजर करने की ज़रूरत नहीं है, बेबी हेल्दी है। ठीक है, अब बात करेंगे स्कोर, यदि आपका बेबी का स्कोर, अपगार स्कोर क्या है आपने का, और उस बेबी का स्कोर आया 4 से 7 के बीच में तो वो कंडीशन होगी माइल्ड डिप्रेशन और फेयर कंडीशन है और माइल्ड डिप्रेशन है। इस कंडीशन में हम बेबी को क्या करेंगे, इमीडिएट ओरोफेरिंग्स और नोजोफेरिंग सक्शन, मतलब बेबी को सक्शन करेंगे। ठीक है, माउथ से और नोज से, स्टिमुलेट टू बैक एंड सोल ऑफ फीट बाय जेनिटल रबिंग, मतलब उसके सोल, फीट के सोल है उसको रबिंग करेंगे। इसके बाद एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, मे बी यूज इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर इफ़ नेसेसरी, और पेशेंट को, यानी हमारा बेबी है उसको मैन्युअली ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, या फिर हमारा हो सकता है एम्बुबेग से या फिर वेंटिलेटर से ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे उसको। ड्राई एंड पुट अंडर द रेडिएंट हीटर, और उसको रेडिएंट हीटर प्रोवाइड कराएंगे, मतलब उसको ड्राई करेंगे बेबी को। ठीक है, यदि आपका स्कोर आता है बेबी का लेस देन 3, यानी सबसे पुअर है और सीवियर कंडीशन है, ठीक है,
पुअर कंडीशन, सीवियर डिप्रेशन, और सीवियर हैवी सीवियर कंडीशन होती है ये यदि बेबी का स्कोर 3% आता है। इसमें बेबी के चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो जीवित रह पाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या कंडीशन क्या प्रोवाइड करेंगे हम, क्या करेंगे सबसे पहले ट्रेकियल इंक्यूबेशन, मतलब ट्रेकियोस्टोमी करेंगे या फिर इंक्यूबेशन करेंगे, ईटी ट्यूब इंसर्ट करेंगे यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब, या फिर ट्रेकियल ट्यूब भी इंसर्ट कर सकते हैं। एंड इंटरमीडिएट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर स्टार्ट, और तुरंत ही हमें पेशेंट को वेंटिलेटर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसके बाद एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन, और पेशेंट जो बेबी हमारा उसको एपिनेफ्रिन जो ड्रग्स है वो प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद कार्डियक मसाज इफ हार्ट रेट बिलो 60 बीट्स पर मिनट, और बेबी को मतलब सीपीआर की तरह ही हमारा फिंगर के थ्रू क्या है हम उसको कार्डियक मसाज कराएंगे बिलो 60 यदि उसकी हार्ट रेट आती है तो। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी हमारी अपगार स्कोर के बारे में, जिसमें कौन सी कंडीशन में क्या हमको एक्शन लेना है, कौन सा सीवियर कंडीशन होता है, कौन सा माइल्ड होता है, और कौन सा मॉडरेट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा अपगार स्कोर क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन और इसके वाइटल इंडिकेटर के बारे में। यदि आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग नोट्स को सब्सक्राइब कीजिए, और इसकी PDF आपको 3 दिन के बाद हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे जो है द नर्सिंग नोट्स उसके ऊपर मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।